नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः वीडियो में आप लोगों के साथ आ चुका हूं। अब देखिए, आप लोग कक्षा 10 में गणित जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों को मैं कहां तक बता दिया हूं, जल्दी से देख लीजिए। एक के ए में हम लोग चल रहे हैं, एक एक सवालों को कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है स्टूडेंट। आप लोग एक एक सवालों को करवा रहे हैं, आप लोग कुछ अपने से भी लगाया करिए। देखिए क्या करना है, हम लोग कहां तक कर लिए हैं जल्दी देखिए। हाँ, ये लगभग हम लोग 14-15 सवाल कर लिए थे, अब ये आपका 16वां सवाल, ठीक है। 16वां सवाल क्या है आपका, देखिए, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि n+2 और n+4 में से एक और केवल एक तीन से विभाज्य है, जहां n के धन पूर्णांक है। n एक धन पूर्णांक है, n क्या है, धन पूर्णांक। हम आपको बता दें स्टूडेंट, ये जो आपका ये प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न, ये आपको क्या कहता है, ये आपको बस ये कह रहा है कि ये जो n+2 और n+4 है, यह किसी न किसी एक संख्या से विभाज्य है। कोई एक n हो, n+2 हो, n+4 हो, किसी एक, केवल एक बोला है, यहां पे बोला है आपका क्या, केवल एक, जो कि तीन से क्या है, विभाज्य, या तो n, या तो n+2, या तो n+4, तीन से केवल एक विभाज्य होगा कोई ना कोई। जैसे हम लोग जैसे सिंपल ले रहे हैं, जैसे देखिए यहां पे आपका n+2 और n+4 है, तो आप रख लीजिए n=10 रख के चेक कर लीजिए, n=10, तो यहां 10 होगा, 10। n+2 में कितना होगा, n+2 में आपका होगा 10 × 2 = 12 होता है। यहां पे आपका होगा n+4 = 10 × 4 = 14। बताइए इन तीनों संख्याओं में तीन से कोई एक ही संख्या विभाजित होगी। जैसे देखो ये 12, 3 × 4 = 12, 3 से कटेगा, और 14 3 से नहीं कटेगा, 10 भी नहीं कटेगा। n=15 भी रख लीजिए, n=15 भी रख के चेक कर सकते हैं, तो n का मान आएगा 15 और n+2 का मान आएगा 15 × 17, ठीक है, और n+4 = 15 × 4 = 19। बताइए इन तीनों संख्या में कोई एक ही ऐसी संख्या है जो आपका तीन से क्या है, विभाज्य है। ये आपका 15 क्या है, तीन से विभाज्य, बकिया दो तो नहीं विभाज्य, तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, समझिए, इसको इरेज कर लेते हैं। इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए यूक्लिड विभाजन का नियम, यूक्लिड प्रमेय आप जानते हैं, उसी पे आपका सवाल लगेगा। यूक्लिड प्रमेय क्या, यूक्लिड प्रमेय यहां लिखेंगे हल, हल हल में लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से आपको क्या बताना है, जल्दी से देखिए। a बराबर bq plus r, b का मान आप यहां पे 3 ही ले लीजिए, b का मान क्या ले लीजिए, 3, क्योंकि 3 से विभाज्य बोला है, तो a = 3q + r। अब r का मान बहुत आसान तरीका से आप डिफाइन कर पाएंगे कि r का जो मान होता है 3 से कम ही होगा, यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, रख लीजिए a बराबर 3q, 0 नहीं लिख रहे हैं, 3q + 1 आएगा,
फिर 3q+2 आएगा, इतनी मान आएंगे। ठीक है, अब क्या है ध्यान से देखिएगा, यन के धन पूर्णांक कह रहा है। तो आपको हम बता दें स्टूडेंट कि ये आपका जो है यन, यहां पे यन दिया है तो आप सबसे पहले ले लीजिए यन, यहीं से ले लेते हैं यन। ठीक है, तो यन बराबर हम ले ले रहे हैं पहला 3q, क्या है 3q। ठीक है, और दूसरा का लीजिए यन प्लस टू, यन का मान क्या है 3q, इसमें रखिए 3q+2। अब एक ले ले रहे हैं n+4, तो यहां लिखेंगे n+4, तो यहां आएगा 3q+, ये n का मान 3q और ये 4, 3q+4। बताइए इसमें 3 से कौन विभाज्य, ये आपका क्या है 3 से विभाज्य, ये आपका 3 से क्या है विभाज्य, लेकिन 2 ये आपके 3 से विभाज्य नहीं। आगे आते हैं, n बराबर ले लीजिए, n बराबर 3q+1, क्या 3q+1। ठीक है, अब यहां से n+2 क्या होगा 3q+1, n का मान रख लीजिए 3q+1 और +2, यहां से आएगा 3q+2 = 3। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 का मान, क्या कॉमन है 3, तो ये आएगा q+1। ठीक है, अब n प्लस फोर भी रख के चेक कर लेते हैं, n का मान है 3q+1+4, तो ये आएगा 3q+5। बताइए इन तीनों संख्याओं में 3q+1 है, 3 कोष्टक में q+1 है, ये 3q+5 है, तो ये दोनों तो विभाज्य नहीं, ये दोनों तो 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल है, 3 का क्या है मल्टीपल, इसलिए 3 से विभाज्य। देखिए इन तीनों में केवल एक है, इन तीनों में केवल क्या है एक है, और उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं 3q+2 में। तो यहां से हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से हम लोग यहां पे देख लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम लोग करके आप लोगों को बता देते हैं कि क्या होगा। देखिए n बराबर हम ले लेते हैं 3q+2, n बराबर आपका देखिए हम लोग यहां से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अब आगे लेना है n बराबर 3q+2। अब यहां की बात क्या करेंगे ध्यान से देखिए, ये n का तो मान आ गया, लेकिन अब इसको कहां पे पुटअप करना है, कैसे पुटअप करना है जल्दी से देखिए। आपका n था पहला, n का मतलब 3q+2, और डायरेक्ट दूसरा का रखते हैं n+2, तो यहां पे आएगा 3q+2+2, तो ये आ जाएगा 3q+4। यहां पे अब लोग n प्लस फोर चेक कर लेते हैं, तो यहां पे 3q+2, ये तो n का मान है, और प्लस फोर लिख लेंगे, तो ये आएगा 3q+6, 4 × 2 = 6, यहां पे 3 कॉमन करेंगे तो ये आएगा q+3 × 6। बताइए 3 का मल्टीपल ये, तो ये 3 से विभाज्य थे, ये दोनों जो हैं 3 से विभाज्य नहीं, ये आपका 3 से विभाज्य। तो तीनों में देखिए, पहला जब लिए हैं n बराबर 3q, तो ये पहला है आपका विभाज्य 3 से, ये दो 3 से विभाज्य नहीं है। n बराबर 3q+1 लिए हैं, तो आपका जो है कि 3 का मल्टीपल जो है n+2 वाला है, ओनली वन, केवल और केवल एक विभाजित है,
और यहाँ पे जब n बराबर 3q+2 लिए हैं तो ओनली वन यानी केवल और केवल एक 3 कोष्टक में q+2 क्या है, यह विभाजित है। तो यहाँ पे हमको पता चल पा रहा है कि केवल और केवल एक क्या है, यह 3 से विभाज्य है। तो लिख देंगे केवल एक 3 से क्या है, विभाज्य। केवल और केवल एक संख्या, यहां संख्या लिख रहे हैं, संख्या 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 3 से क्या है, विभाज्य। तो आपको पता चल पाया, क्या पता चल पाया, यही देखिए, हाँ ये चीज है। तो आप लोगों को हम बता दें कि हम एक ही चीज बताएं आप लोगों को, कि सिद्ध कीजिए कि n+2 और n+4। तो यही आपको मैं बताया हूं कि इन तीनों में जब n लिए हैं तो ये आपका, n+2 लिए हैं तो ये आपका आया, n+4 पे ये आया। तो किसी एक वैल्यू को हमने चेक किया ले लेके, तो इन तीनों में से केवल और केवल एक ही संख्या मिली है जो 3 से क्या है, विभाज्य। अतः हमारा यह वैल्यू एकदम सही है कि जो 3 से क्या है, विभाज्य है, लेकिन केवल एक संख्या, केवल एक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये सवाल है आपका, जल्दी से देखिए ये सवाल आपका क्या कह रहा है, जल्दी समझने का प्रयास करिए। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, एक स्कूल में 576, एक स्कूल में 576, ठीक है, एक स्कूल में 576 लड़के और 448 लड़कियां हैं, जिनको बराबर सेक्शनों के लड़के या लड़कियों में विभाजित करना है, इस प्रकार बने कुल सेक्शनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको 576 और 448 का यूक्लिड विभाजन के नियम से एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है, वहां से आएगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे सबसे पहले आपका वही काम है जो आप लोग करते आए, 576। देखिए तो पहले यहां पे भाग मैं देता हूं, यहां पे भाग दे रहा हूं, यानी 448 से भाग दे लीजिए, रफ वर्क है ये, आपका रफली वर्क, ये आपका क्या है, रफली वर्क 576। कई बार भाग जाएगी भैया, एक बार, कई बार, एक बार, तो 448 आएगा, घटाएंगे यहां पे, एक हासिल देगा 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा यहां पे, यहां बचा 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, यहां बचा 4 में से 4 जाएगा, नहीं, यहां 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, 128। पुनः 128 से भाग देंगे किसमें, 448 में, कई बार भाग जाएगी, 3 बार लेके जाइए पहले, 3 बार, 3 बाटे 24 को 4, 2 हासिल, 3 गुना के 6, 2 8 और 3 एकम 3, 384। 4 बार लेके जाएंगे तो ज्यादा हो जाता, 4 बार अगर लेके जाते तो ज्यादा हो जाता, यहां 128 रहेगा, क्या रहेगा, 128, ठीक है, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 1 बचा था, ठीक है। अब देखिए
128 से तीन बार लेके गए, तीन वाटी 24 को चार दुआसी, तीन गुना छह दो आठ, तीन एकम तीन, आठ में से चार जाएगा चार आएगा, ये हासिल देगा चौदह, चौदह में से आठ जाएगा आठ छह चौदह हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, एक बार पुनः भाग जाएगी किसमें 384, 128 में, किसमें 128, 128 में। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए 128 में भाग लेके जाएंगे, कई बार जाएगी दो बार, दो चौ को आठ और दो छह के बारह, 128 में से 128 घटाएंगे जीरो आएगा। तो आपको सबसे पहला काम हम एक पहले से ही बता रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन का नियम, ये तो रफ वर्ड, ये आपका रफ, ये रफ वर्क है आपका, ये आपको पेपर में कॉपी में नहीं लगाना है, फेयर में आपको नहीं लगाना है, ये रफली वर्क आप कहीं कर लीजिए। ठीक है, और आपको पेपर में क्या लगाना है, ये यूक्लिड का नियम यानी स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, 576, 576 क्या है, बड़ी संख्या है, किससे 448, 448 पुनः भाग देंगे, पुनः भाग देंगे आप लोग, क्या करेंगे भाग, देखिए स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड में आपको क्या करना है, 576 में भाग देना है किससे 448 से, कई बार भाग गई है देख लीजिए, यहाँ पे एक बार भाग गई, शेषफल कितना आया है 448, कितना शेषफल, कितना 128, 128 आया। पुनः भाग देंगे स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 448 में भाग देंगे किससे 128 से, कई बार भाग जाएगी तीन बार भाग जाएगी, शेषफल कितना आएगा 64 आएगा। पुनः स्टेप नंबर चार में भाग देंगे, स्टेप नंबर चार 128 में भाग देंगे किससे 64 से, कई बार भाग जाएगी दो बार, 64 देना 128, दो चौक आठ दो चौके बारह, शेषफल जीरो आएगा, जीरो के सामने कौन है भाई 64 है, किससे भाग दिया गया 64 से, इसलिए एचसीएफ जीरो आएगा, एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 64 आएगा, क्या आएगा 64। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे 64 नाम। ठीक है, ये आपका एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर कितना आया 64, ये याद रहे। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, कहा है कि सेक्शनों में लड़के या लड़कियों की विभाजित करना, सेक्शनों में, तो ये तो हमारा एचसीएफ आया, लेकिन एक एक सेक्शन वाला वैल्यू अभी निकालना बाकी है। ठीक है, तो एक स्कूल में 576 लड़के और 448 लड़कियां हैं। ठीक है, तो जल्दी से यहां पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए थोड़ा इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं। देखिए इरेज करने के बाद हम आगे की चीजों को बता रहे हैं, देखिए जल्दी से, अब सेक्शन में इसको बांट देना है, याद रहे 64 आया है आपका एससी, क्या आया है 64, हाँ देखिए एससीएफ यहां पे लिख ले रहा हूं, एससीएफ जो आया है वो आपका क्या है 64, क्या है 64। अब इसके आगे क्या करते हैं देखिए जल्दी, एक स्कूल में 576 लड़के, तो लड़कों के सेक्शनों की संख्या यहां पे निकालेंगे। ठीक है, लड़कों के सेक्शनों की संख्या, लड़के और लड़कियां दोनों जिनको बराबर सेक्शनों के लड़के या लड़कियों में विभाजित करना है, तो देखिए लड़कों के सेक्शनों की संख्या, लड़कों के सेक्शनों की संख्या, सेक्शन, ठीक है, लड़कों के सेक्शनों की संख्या
संख्या बराबर। कितने लड़के हैं? 576। 576 में भाग देंगे किससे? 64 से। लड़कों का निकल के आएगा। देखिए काट लीजिए, आप लोग इसको काट सकते हैं, 8 से काटिए, 8 × 64, 8 × 56 और एक बचा 8 × 16 और 8 × 1 8 × 9 = 72 यानी 9 आ गया। कितना आया? 9 आ गया। ठीक है, लड़कियों के सेक्शनों की संख्या, लड़कियों की, तो यहां लिखेंगे लड़कियों, लड़कियों के सेक्शनों की संख्या, बराबर बराबर कितना है? 448। 448 बटे कितना? 64। ठीक है, वही 8 से काटी, 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, 8 × 1 8 × 56 ये 7 आ गया। ठीक है, लड़कियों के सेक्शनों की संख्या 7 और लड़कों के सेक्शनों की संख्या 9। टोटल सेक्शन कितना आएगा भाई? टोटल सेक्शन नौ लड़कों का, लड़कियों का 7। ठीक है, तो 9 × 7 कितना होता है? 16। सेक्शनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 16। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो ये जो दो सवाल जो मैं कराया हूँ स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन कराया हूँ, परीक्षा में जरूर कहीं ना कहीं पूछ लेता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं स्टूडेंट, मेरे प्यारे बंधुओं, कि इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लगभग इसके आगे वाले टॉपिक की जो प्रश्न है वो मैं पूरे सॉल्व कराऊंगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।